काबिले सदा एहतराम असातिज़ा इकराम और बहुत ही प्यारे बच्चों, हम लोग अभी नाते रसूल मकबूल को पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे इसकी मश के सवाल नंबर 1-6 की तरफ। नाते रसूल मकबूल मश्क सफ़ा नंबर 8 और 9, सवालात 1-6। इससे पहले कि हम मश्क की सवालात की जानिब बढ़ें, क्यों ना हम नात में शामिल कुछ अल्फाज के मायने पर एक नज़र डाल लें। सवारा मीन्स इस्लाह की राह पर लाए, जिल्लत रुसवाई की ज़िंदगी, गुमराही गुमरही, खुदा से दूरी बुनियाद आकबत की, आमाल की बुनियाद पर आखरत में कामयाबी या नाकामी। अगले अल्फाज हैं जजा व सज़ा, अच्छे काम पर अजर और बुरे काम पर सज़ा, ढलना यानी सांचे या कालिब के ज़रिए तैयार होना, फॉर्म होना, मर्तबा मकाम, मुमकिन नहीं किनारा यानी जिस काम से आप ख़ुद को बचा ना सकें। अब मश्क के सवाल नंबर 1। हिस्सा अलिफ नात किसे कहते हैं? उर्दू अदब में नात से मुराद वो नज़्म है जिसमें अल्लाह के रसूल आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई हो। बे इंसान के मर्तबे को जिसने दिया संभाला, इस मिसरे का क्या मतलब है? तो बच्चों याद रहे कि अरब के हालात बहुत बुरे थे, वहाँ पर लोग लड़ते झगड़ते थे, ज़रा ज़रा सी बात पर एक दूसरे को मार देने को तुल जाते थे, झूठ बोलते थे, बेईमानी करते थे, बुतों की पूजा करते थे, यानी हर वो गलत काम करते थे जिससे इंसान की इज्जत घट जाए, दुनिया को नुकसान हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के मर्तबे को बुलंद किया और इंसानों को बताया कि सिर्फ़ एक खुदा की इबादत करो और अच्छे अखलाक के साथ दूसरों के साथ अपने ताल्लुक को रखो। जीम इंसान की आकबत की बुनियाद किस चीज़ पर है? तो इसका जवाब यह है कि इंसान की आकबत की बुनियाद उसके नेक आमाल पर है। दाल नात में हजूर की जो सिफात हमीदा बयान की गई हैं उन्हें अपने अल्फाज में लिखें। बच्चों इसका जवाब यह है कि नात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी खूबियाँ दर्ज हैं उनमें एक ये कि उन्होंने हमें कुरान पाक का तोहफ़ा दिया, दूसरा उनके अच्छे आमाल, तीसरा ये उन्होंने हमें बुरे और भले का फ़र्क बताया। हे नात का मरकज़ी ख्याल, इसका जवाब है कि इस नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सफ़ात का ज़िक्र है जिससे उन्होंने अपने अमल से पूरी एक गुमराह कौम को दुरुस्त किया। वो हम सब की हदायत के लिए कुरान पाक का अमली नमूना बने और उन्होंने हमें आखरत को बचाने के लिए सही और गलत की तमीज़ सिखाई। नंबर 2, दुरुस्त जवाब चुनकर मिसरे मुकम्मल कीजिए। अलिफ जिसने हमारी दुनिया और डैश को संवारा, जिसने हमारी दुनिया और दीन को संवारा। बे जिल्लत से डैश से जिसने उसे निकाला, जिल्लत से गुमराही से जिसने उसे निकाला। जीम नाम डैश पे जिसने हर एक को पुकारा, नामे खुदा पे जिसने हर एक को पुकारा। हे जिसने हमें सिखाया डैश की राह पे चलना, जिसने हमें सिखाया नेकी की राह पे चलना। वाओ बंदों के डैश में जिसने खौफे खुदा उभारा, बंदों के दिल में जिसने खौफे खुदा उभारा। सवाल 3, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं और मिसरे मुकम्मल करें। कालम अलिफ जिसको खुदा ने भेजा, कालम बे से चौथी सतर अपना बना के प्यारा। कॉलम अलिफ 2, इंसान के मर्तबे को कॉलम बे जिसने दिया संभाला, ये 5वीं सतर में है। कॉलम अलिफ जिसने अमल पर रखी, कॉलम बे बुनियाद आकबत की पहला। कॉलम अलिफ 4, बचना बुराइयों से, कॉलम बे 2, सच्चाइयों में ढलना, जिसने कहा घड़ी है।
कालम बे, तीसरा नज़दीक आखरत की। आए अब कुछ बातें भी करें। नंबर चार सवाल में वो चाहते हैं कि आप नाते मुबारका को तवज्जो से सुनें, और अब आप बच्चों को जबकि नात सुनने का भी मौका मिला और आप उसका मफहूम भी जान चुके हैं, तो अब बारी किसकी? आपकी, कि आप भी इस मफहूम को सबको बताएं। सवाल पाँच, अपनी पसंदीदा नात का कोई शेर सुनाइए और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। बच्चों आपको ये सीखना है कि हमें बहुत कुछ ज़िंदगी में पसंद होता है, लेकिन हमें इस चीज़ की भी जस्तजू करनी चाहिए कि आखिर हमें ये पसंद क्यों है। आखिर आपको कोई फल, कुछ बच्चों को पिज्ज़ा, कुछ को बिरयानी पसंद होती है, तो उनको ये भी जानना चाहिए कि आखिर उन्हें ये क्यों पसंद है, क्योंकि मुझे तो ये तीनों ज़्यादा नहीं पसंद। सो अगर आपको पसंद है तो अपनी पसंदीदगी की वजह बताइए। आइए बच्चों लफ्ज़ों का खेल खेलें। बहुत ही मज़े का ये खेल है और आप सब इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मिसाल के मुताबिक नात में से हम आवाज़ या हम काफ़ी अल्फाज की जोड़ियाँ बनाकर अपनी कॉपी में लिखें। आप जानते ही होंगे कि हम काफिया या हम आवाज़ अल्फाज कौन से होते हैं। वो अल्फाज जिनकी आखिर में जाकर आवाज़ें यकसा हों और उससे आपकी इबारत में या आपके अशआर में खूबसूरती पैदा हो, जैसे कि प्यारा उतारा, समारा हमारा, चलना ढलना, पुकारा हमारा, संभाला निकाला, उभारा हमारा। बच्चों इस तरह से आप ख़ुद भी नज़्म लिखने की मशक कर सकते हैं। छोटी छोटी नज़में लिखें, इससे आपकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ेंगी। अब हम पढ़ते हैं सवाल नंबर सात। दी गई नज़्म को ग़ौर से पढ़ें और इसका मफहूम बयान करें। मैं आपके लिए नात के ये पांच अशार पढ़ रही हूँ जिन्हें तुफैल होशियारपुरी ने लिखा। बेरंग थे हालात अगर आप ना आते, बनती ना कभी बात अगर आप ना आते, अल्फाज़ो मानी में ना होती कभी तब्दील, कुरान की आयात अगर आप ना आते, हर एक बशर तक ना पहुँचती मेरे आका, फितरत की हिदायत अगर आप ना आते, दिल में ना उभरता कभी सुल्तान व गदा के एहसास मसावात अगर आप ना आते, बातिल के खुदाओं को सदाकत के मुकाबिल होती ना कभी मात अगर आप ना आते। क्या खूबसूरत कलाम है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया में तरक्की की, खुशी की, अमन की कोई ज़ाहरी सूरत नज़र ना आती थी। आप आए और आपने दुनिया का रुख बदल दिया। कुरान की आयात को, उनके मायने को, उनके अल्फाज को हमें ऐसे समझाया कि हम आसानी से अमल कर सकें। हर आम खास, अमीर गरीब, माजूर सेहतमंद सब तक अल्लाह के अहकामात को पहुंचाया। आपने दुनिया में छोटे बड़े की, रंग की, नस्ल की तमीज़ ख़त्म कर दी और सब इंसान बराबर हैं, उन्हें ये इज़्ज़त अता की। बच्चों अमेरिका, जिसे आज हम दुनिया की एक बड़ी ताकत समझते हैं, ये ताकत क्या थी आप बच्चे शायद ना जानते हों कि यहाँ पर आज से 200-300 साल पहले तक ग़ुलामी का डेरा था, लेकिन हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद ने ग़ुलामी को ख़त्म कर दिया। बल्कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वो कहते थे या सैयदी मेरे आका, जबकि हज़रत बिलाल हबशियों नस्ल थे, मगर उनकी इज़्ज़त वैसे करते जैसे कोई मुलाजिम अपने मालिक की करता है। और इसी तरह से नबी पाक आए तो उन्होंने झूठे बुतों के बजाय एक खुदा की ऊपर ईमान लाने की हदायत दी। आप हमारी वीडियोस को इसी ज़ौक शौक से देखते रहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।